वेलकम टू RKistic। आज हम देखेंगे क्लास फर्स्ट की मैथ्स वर्कशीट। क्लास फर्स्ट में बच्चों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके आज मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रही हमारी फर्स्ट वर्कशीट। इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द आंसर्स एंड कलर अकॉर्डिंग टू द कोड्स। यहाँ पे मैंने एक साथ तीन एक्टिविटी दी हुई है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन। ये बच्चों को सॉल्व करना है और जिसका आंसर 15 आएगा उसको येलो कलर करेंगे और जिसका आंसर 20 आएगा उसको रेड कलर करेंगे। तो आइए देखते हैं हम कैसे करना है। 15 प्लस 5 होता है 20, 20 को रेड कलर, तो यहाँ पे रेड कलर फील करना है। देन नेक्स्ट है 5 into 3, 5 3 15 को येलो कलर, 20 माइनस 5 होता है 15, तो यहाँ पे अगेन येलो कलर। इस तरह से बच्चों को एक्टिविटी सॉल्व करनी है। नेक्स्ट है राइट इन वर्ड्स। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, बच्चों को उन्हीं नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है। जैसे यहाँ पे 112, उसी तरह से यहाँ पे आएगा 184, देन 122। नेक्स्ट है राइट इन फिगर्स। यहाँ पे मैंने वर्ड्स में नंबर लिखे हुए हैं, बच्चों को उन्हीं को फिगर्स में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 142, उसी तरह से 250, नेक्स्ट 399। इस तरह से हम बच्चों की प्रैक्टिस ले सकते हैं। यह है सेकंड वर्कशीट। इसमें पहला है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बच्चों को टेंस और वंस के फॉर्म में सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 45 माइनस 32, तो 5 माइनस हम 2 करेंगे तो आंसर 3, 4 माइनस 3 आंसर 1। उसी तरह से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग के भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। देन नेक्स्ट है सॉल्व द मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम। 5 into 5, 5 5 = 25, 5 2 = 10, 4 4 = 16। नेक्स्ट है विच नंबर कम्स नेक्स्ट, 100, 200, 300, 400, 500 and 600। उसी तरह से बाकी के भी बच्चों को देखना है कि रिवर्स ऑर्डर में है या नेक्स्ट नंबर के फॉर्म में है या फिर स्किप काउंटिंग के फॉर्म में है, वो बच्चे को देखना है और सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट है राइट एज अ एडिशन। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स में दिए हुए हैं नंबर्स और बच्चे को एडिशन में लिखना है। जैसे यहाँ पे 4 into 3, तो 4 को हम 3 टाइम्स ऐड करेंगे और आंसर लिखेंगे 12। उसी तरह से यहाँ पे हम 5 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो जो आंसर आता है वो बच्चे को यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है राइट एज अ मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। यहाँ पे मैंने एडिशन फॉर्म में दिया हुआ है, बच्चे को मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स में लिखना है। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेंगे, 4 है, 4 नंबर है, इंटू कितने टाइम्स उनको मल्टीप्लाई करना है हमें, 1 2 3 4 5 टाइम्स करेंगे तो 5 4 = 20, तो यहाँ पे आंसर 20। इस तरह से हम बच्चों की प्रैक्टिस ले सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द क्लॉक। बच्चों को टाइम का कंसेप्ट होता है फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो यहाँ पे बच्चों को क्लॉक कंप्लीट करनी है। जैसे यहाँ पे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये क्लॉक बच्चे को कंप्लीट करनी है। यह है थर्ड वर्कशीट। इसमें पहला है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। 32 is greater than 15, 84 is equal to 84, 47 is greater than 35। इस तरह से हम बच्चों की प्रैक्टिस ले सकते हैं। देन है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमेशा बिग नंबर ही पहले आता है, तो यहाँ पे बिग नंबर कौन सा है, 19, तो यहाँ पे आएगा 19, देन 14, 12, 4, उसके बाद है 3। इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर के बच्चों की प्रैक्टिस ले सकते हैं। नेक्स्ट है अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बॉक्स। यहाँ पे मैंने नंबर्स दिए हुए, बच्चे को वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है लेकिन बॉक्स के बॉटम साइड से हमें स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 12, सबसे स्मॉल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में पहले आएगा, इसलिए यहाँ पे 12 नंबर आएगा, उसके बाद 25, देन 39, देन 58। इस तरह से हम बच्चों की प्रैक्टिस ले सकते हैं। नेक्स्ट है बिफोर एंड आफ्टर डेज। यहाँ पे डेज लिखे हुए हैं, उसके बिफोर डेज लिखना है और आफ्टर डेज लिखना है। जैसे यहाँ पे संडे, संडे का बिफोर कौन सा आएगा, सैटरडे, संडे, देन मंडे। इस तरह से हम डेज की प्रैक्टिस ले सकते हैं। और जैसे यहाँ पे मैंने डेज दिया है, आप मंथ्स लेके भी आप बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। यह है लास्ट वर्कशीट। इसमें पहला क्वेश्चन है स्पेसिफाई द टेंस एंड वंस ऑफ ईच नंबर। यहाँ पे मैंने नंबर्स दिए हुए हैं, तो बच्चे को टेंस और वंस के फॉर्म में वो लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 4,
tens, 7 ones. 75 में 7 tens, 5 ones. Next है, write in the missing numbers. बच्चे को skip counting का concept होता है, तो यहाँ पे मैंने 5 skip, 7 skip और 9 skip दिया हुआ है, जो बच्चे को solve करना है. जैसे यहाँ पे 5 से 10 तक, 10 से हम 5 skip करेंगे, तो आता है 15. 15 से 5 skip करेंगे तो 20, 20 से 25 और 25 से 30. उसी तरह से यहाँ पे 7 skip और 9 skip बच्चे को करना है. Next है circle the smaller number. इनमें से small number जो है बच्चे को circle करना है. जैसे यहाँ पे 14 और 17 में small number 14, 20 और 10 में small number है 10. Next है circle the bigger number. इसमें से big number कौन सा है वो circle करेंगे हम. 81 और 74 में 81, 33 और 13 में 33. Next है add the following. बच्चे को addition भी tens और ones के form में सिखाया जाता है, तो यहाँ पे बच्चे को add करना है. जैसे example है 12 plus 34, तो 2 plus 4, 2 plus 4 होता है 6, तो यहाँ पे आएगा 6. 1 plus 3, 4. इस तरह से बच्चों के हम practice ले सकते हैं. आज हमने इस वीडियो में देखा क्लास फर्स्ट की मैथ्स वर्कशीट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.